हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो इस माइनर स्टडी में बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इसको बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों, जो कि आप लोग बेल आइकन बटन दबाएंगे तभी आपका जो आगे का लेक्चर बच्चों आपके पास पहुंचता रहेगा और आपको प्रोवाइड होता रहेगा बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बच्चों। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो कि वैक्सीनेशन चार्ट इन चिल्ड्रेन तक पढ़ लिया था बच्चों। अब हम लोग को आगे हमने बताया था बच्चों कि आप लोग को पढ़ कर आना है, तो आप लोग आशा करता हूँ बच्चों आप लोग पढ़ कर आए होंगे इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हेडिंग डालते बच्चों इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो गया बच्चों। तो अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जो कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसमें बच्चों, दी ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बच्चों, ALGA, जो कि सॉइल के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि बच्चों फिक्स दी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में से बच्चों नाइट्रोजन लेकर जो बच्चों सॉइल में है वो छोड़ देता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन दी सॉइल, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है बच्चों, वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेकर जो सॉइल में छोड़ देता है। तो ये जो सॉइल के लिए बहुत जो फर्टाइल बनाता है बच्चों। और आगे हम लोग इसी में लिख सकते हैं, जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि लिविंग जो कहाँ रहता है, इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल के रूट में पाया जाता है बच्चों, roots of nodules, plant absorb atmospheric नाइट्रोजन। एंड हम लोग पहले लिख लेते बच्चों, उसके बाद समझ रहे हैं, एंड convert it into nitrogenous compound। हम लोग लिख लेते हैं बच्चों साथ में, क्योंकि हमारा और आपका जो दोनों का नोट्स बनते रहेगा, इसलिए हम लोग इसको साथ में मेंशन करते चलते बच्चे। और आपको इसी तरह से जो कि जब लेक्चर देखने बैठते हैं बच्चों, तो आपको नोटबुक लेकर साथ में बैठना है और पेन, और साथ में लिखते चलना है बच्चों, तभी आपका नोट्स भी कंप्लीट होते रहेगा। तो जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स, जो बच्चों रूट्स नोड्यूल में रहता है, जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है बच्चों जो रूट्स में, रूट्स का नोड्यूल में होता है उसमें रहता है। और जो कि किस प्लांट में बच्चों, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसमें, और लेग्यूमिनस प्लांट एब्जॉर्ब, जो कि ये बच्चों एटमोसफेयर में से एब्जॉर्ब नाइट्रोजन करता है, कन्वर्ट इंटू नाइट्रोजीनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जो कि ये हमारे सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाता है बच्चों। तो यहाँ देख लिया। अब हम लोग हार्मफुल जो कि फोज इनेमिज यानी इफेक्ट के, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो हमारे लिए हार्मफुल है बच्चों, कौन कौन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगला हेडिंग बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बच्चों। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जो कि कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में भी बीमारियां फैलाता है बच्चों,
प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो इन प्लांट्स एनिमल्स लिख सकते हैं, एंड एनिमल्स एनी मल्स हो गया बच्चों। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्पॉइल्ड, SPOILED स्पॉइल्ड बच्चों, स्पॉइल्ड जो फूड होता है, स्पॉइल्ड फूड जैसे एक दो दिन का हो गया बासी खाना बच्चों, उसमें भी हानिकारक होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाता है। और क्लोथिंग स्पॉइल्ड फूड, स्पॉइल्ड क्लोथिंग एंड लेदर, ये एंड का साइन है बच्चों, ये इसको हम लोग एंड बोलते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं बच्चों, ये एंड है हमारा, साइन ऑफ एंड लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ एंड, जो कि कितने बच्चे को नहीं पता रहता है, जैसे मैंने भी था बच्चों, तो मैं दिमाग लगा रहा था जब मैं छोटा था तो ये क्या बच्चों, तो मैं इसको कुछ और ही समझता था, जो कि मैं समझता था ये साइन है, लेकिन ये साइन तो है बच्चों लेकिन एंड का साइन है, एंड लेदर। और आगे हम लोग जैसे लिस्ट ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका लिख सकते हैं और टेबल बना लेंगे बच्चों, जो कि आपको सुविधा हो याद करने में। तो आगे हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों, इसका हम लोग एक टेबल बनाते हैं, जो कि आपको लर्न करने में आसानी हो बच्चों। तो हम लोग टेबल बनाएंगे और लिखेंगे बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियाँ फैलता है बच्चों, उसका हम लोग टेबल बना लेते हैं NIS ऑर्गेनिज्म। तो लिस्ट ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट हो गया, इधर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इधर हम लोग डिजीजेज बीमारी के बारे में नाम लिखें बच्चों, डिजीजेज, और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, बैक्टीरिया हो गया, इससे कौन सा बीमारी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते बच्चों इसमें ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से डिफ्टेरिया बीमारी होता है बच्चों, जो कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे कॉज करता है। कोलेरा बोल सकते हैं, टेटनस टाइफाइड टाइफाइड हो गया बच्चों, ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। और सेकेंड में बच्चों लिख सकते हैं सेकेंड वायरस से, VIRUS वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है बच्चों, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, एड्स, ये भी वायरस से ही होता है इसका। एड्स से भी होता है बच्चों, AIDS हो गया। चिकन पॉक्स भी लिख सकते हैं बच्चों, चिकन पॉक्स भी जो वायरस से होता है। और थर्ड में बच्चों लिख सकते हैं सॉरी बच्चों, जो कि थर्ड में बच्चों फंगी से, फंगी में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों रिंग वर्म लिख सकते हैं, एथलेट्स और फूट, जो कि एथलेट्स का जो फूट होता है बच्चों उसमें फंगी, उससे भी हो सकता है। एथलेट्स जो कि जो शूज वूज पहने रहता है बच्चों बहुत देर, तो उससे जो शूज में होता है उससे एथलेट्स फूट, वहाँ पे फंगी हो जाता है। और फोर्थ बच्चों प्रोटोजोन्स के बारे में देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग प्रोटोजोन्स में बच्चों मलेरिया लिख सकते हैं, अमीबिक डिसेंट्रिक बच्चों, डिसेंट्री हो सकता है इससे, मोवी डिसेंट्री बीमारी होता है बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस जो कि बहुत नींद लगेगा बच्चों आपको, उसमें जो प्रोटोजोआ से ये बीमारी हो जाता है। तो
तो यहाँ पे हमने देख लिया लिस्ट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बच्चों जो बीमारियाँ होता है उसको। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों जो कि पैथोजेंस देखेंगे, पैथोजेंस का जो पैथोजेंस क्या बच्चा क्या होता है बच्चों, उसका जो हम डिफिनेशन लिखेंगे और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जो कि पैथोजन से कौन कौन बीमारी ट्रांसफर होता है बच्चों, ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ हमने लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखा बच्चों जो कि बीमारियाँ हम लोग को फैलाता है बच्चों। तो इसमें हमने देख लिया, अब हम लोग पैथोजेंस के बारे में, तो अब हम लोग को